ये जो दुकान है ये काने हलवाई की हुआ करती थी उस टाइम पे, और ये गली में जाना हमने। भैया से मिलने आए हैं, भैया के चैनल को सब्सक्राइब करो। बाकी भैया का नेचर अच्छा है, पर्सनैलिटी भी बढ़िया है। थैंक यू सो मच। थैंक यू भैया, बाय बाय। हाय, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस, यू आर वाचिंग रायन रॉक्स। आज है दिल्ली में हमारा थर्ड डे, तो आज मैं घूमने के लिए जाऊंगा। क्योंकि आज है सैटरडे और संडे, तो ये दो दिन जो होंगे यहाँ मैं सिर्फ घूमूंगा। आई एम सो सॉरी, भूख बहुत लगी हुई है मुझे। ओके बाय एड्रियन। सो अब मैं भी निकलने वाला हूँ और मैं घूमूंगा, तो चलो चलते हैं। ये मेरा हॉस्टल है, नया वाला हॉस्टलर का, और आओ मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे। मैं अभी सेकंड फ्लोर पर रुका हूँ। सो गाइस, ये था मेरा हॉस्टल। आज मैं जाऊँगा घूमने के लिए कोई अच्छी सी जगह। आज मैं जा रहा हूँ स्पेशल जगह पे, जो है दिल्ली में मेरा बचपन का घर। अगर वो वहाँ पर हुआ अभी, तो मैं वहाँ पर जा रहा हूँ, देख के आता हूँ अपने मोहल्ले की गलियाँ और अपने बचपन की थोड़ी सी यादें देखूँगा, मेरा स्कूल देखूँगा, और देखते हैं अभी कैसा है। आज से 20 साल पहले कैसा था वो तो मुझे याद ही है, लेकिन उसके अलावा आज देखने की आज कैसा है, तो चलो देख के आते हैं। काफ़ी सालों के बाद जा रहा हूँ मैं वहाँ पे, 2009 के बाद मैं वहाँ कभी नहीं गया, तो ये पहली बार होगा मेरा। इतने सालों के बाद आज जाऊँगा। गए इतने साल हो गए हैं, और ऑटो वाला भी पता नहीं कौन कौन सी बातें बता रहे हैं कि वहाँ पे यहाँ पे ये है वो है, तो मुझे तो याद नहीं है कुछ भी अब इतना, मतलब कि अब नई चीज़ें क्या बन गई हैं वहाँ पे, मुझे तो कुछ नहीं पता, मुझे तो आइडिया ही नहीं है। अभी मुझे कुछ ज़्यादा खास याद नहीं आ रहा है, लेकिन जितने भी हैं ये बचपन में मैं इन्हीं गलियों में घूमा करता था, मतलब इतना भी दूर नहीं घूमता था। ये कपड़े की मार्केट है, लेकिन उस टाइम पर ये रशियन मार्केट नाम से जानी जाती थी। ये वाली जो दुकान है ये डॉक्टर किशोर की हुआ करती थी, बचपन में मेरा ट्रीटमेंट वही किया करता था डॉक्टर किशोर। अब तो पता नहीं, अब तो होगा ही नहीं, वो पहले ही बहुत बूढ़ा था। और यहाँ सामने है जैन मंदिर। गर्ज ये मेरे पीछे जैन मंदिर है, मेरा बचपन सारा इन्हीं गलियों में निकला है। अभी हम जा रहे हैं वो बाज़ार में जहाँ पे सब्जी मंडी वगैरह लगती थी और मेरी मम्मी मुझे लेके जाया करती थी। ये वो गलियाँ हैं जहाँ से मेरी मम्मी मेरी शॉपिंग किया करती थी बचपन में, मेरे छोटे छोटे कपड़े लिया करती थी। अभी तो यहाँ पे कुछ और ही चीज़ें हैं, लड़कियों का सामान है और चीज़ें हैं, लेकिन हम यहीं से ही जाते थे। ये वही छोटा गुरुद्वारा है जहाँ पे सब्जी की दुकान लगा करती थी पहले बचपन में, मेरी मम्मी मुझे यहीं लेके आया करती थी जब उन्हें सब्जी वगैरह चाहिए होती थी, और यहाँ से फिर हम आगे जाते थे बाज़ार में। और बाज़ार के अंदर ज़्यादातर दुकानें मुझे याद नहीं है अभी फ़िलहाल, लेकिन एक पुराना है चप्पलों वाला, उसकी दुकान सुना है कि अभी भी वहीं पर ही होगी, तो आज मैं वहाँ पर जा रहा हूँ पप्पी चप्पलों वाला देखने के लिए। गाइस पीछे जो दुकान देख रहे हो श्रृंगार, यहाँ इस साइड पे, ये पहले खिलौने वगैरह भी बेचा करता था, तो जब मेरी मम्मी सब्जी वगैरह लिया करती थी तो मैं खिलौने की दुकान पे चला जाता था, और मेरी मम्मी को बहुत गुस्सा आता था और वो मुझे यहीं पे छोड़ देती थी, कहती थी अब तू अपने आप आएगा, पर मैं उनको फॉलो करता हुआ घर पहुँच ही जाता था क्योंकि मैं एक नंबर का कमीना आदमी। गाइस ये चप्पलों वाला काफ़ी पुराना था, यहाँ बचपन में मेरी छोटी छोटी चप्पलें और मम्मी की बड़ी बड़ी चप्पलें सब इसी दुकान से लिया करते थे हम। अब तो फिलहाल उसका लड़का बैठता है यहाँ पे। गाइस ये गुरुद्वारा जो है ये हमारे घर के बिल्कुल पास हुआ करता था,
इसे हम कहते थे अपना गुरुद्वारा, और इसी से बिल्कुल थोड़ी सी दूरी हमारा घर हुआ करता था। अब हम अपने घर की तरफ ही जा रहे हैं। ये जो दुकान है ये काणे हलवाई की हुआ करती थी उस टाइम पे, और ये गली में जाना हमने। गाइस मुझे लगता है इस गली में सिर्फ यही एक घर है जो पुराना है, और सारे के सारे फैक्ट्रियाँ बन चुकी हैं। पता नहीं अब यहाँ पे ये लोग रहते हैं या अभी नहीं रहते, ये तो मुझे मालूम नहीं है। बाकी यही मेरी गली है जहाँ पे मेरा घर हुआ करता था बचपन में। अभी तो यहाँ पे मुझे लगता है कि वो चेंज कर दिया गया सारा, तोड़ फोड़ के। अभी देखते हैं कौन सा वाला था। एक ये वाला घर है, ये वाला अभी भी सेम टू सेम पुराने जैसा ही है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। और पता नहीं इसमें लोग रहते हैं या नहीं फिलहाल। ये वाला जो घर था ये हमारा था। बस गाइस यही था ये घर, जो कि अब यहाँ पे है नहीं, और पहले जैसा तो रहा भी नहीं है। और पहले जैसा जो था ये वाला घर है, लेकिन इसमें हमारा कोई है नहीं तो हम यहाँ पे करेंगे क्या। और पता नहीं इस घर में कोई है या नहीं, मेरे हिसाब से नहीं होगा। गाइस अभी इस टाइम पे ये सारी गलियाँ काफ़ी छोटी छोटी लग रही हैं मुझे, हर एक चीज़ काफ़ी पास लग रही है। लेकिन जब मैं यहाँ पे रहा करता था तब मेरे स्टेप्स छोटे थे, और ये जो चीज़ें मैं दो दो मिनट में, पाँच पाँच मिनट में, तीन तीन मिनट में कर रहा हूँ, ये साली 15-15 मिनट लग जाते थे वहाँ जाने के लिए, क्योंकि मेरे स्टेप्स छोटे हुआ करते थे उस टाइम पे। अभी तो मैं बड़ा हो गया हूँ, लेकिन फिर भी सारी की सारी जगह अभी भी मुझे एक्यूरेट याद है कहाँ पे क्या क्या है, और मैंने अभी तक किसी से कुछ भी नहीं पूछा। और ये दुकान जो है ये भी काफ़ी पुरानी है, तब की है जबकि मैं बचपन में यहाँ से चीज़ें वगैरह लेके खाया करता था। ये तभी की दुकान है और मैं काफ़ी टाइम के बाद आया हूँ यहाँ पे। यहाँ इस साइड पे पेंट वाले की दुकान हुआ करती थी, और ये जो ये वाली दुकान है यहाँ पे चीज़ें मिलती थी खाने की चीज़ें, जो चीज़ें गली में नहीं मिला करती थी ना वो इनकी दुकान पे आ जाती थी। गाइस अभी ये जो दुकान मेरे पीछे आप देख रहे हो ये पहले किसी सरदार जी का रेस्टोरेंट हुआ करता था, और ठीक उसके सामने यहाँ पे वीडियो गेम्स की दुकान हुआ करती थी। हम टोकन डालते थे और यहाँ पे गेम्स खेला करते थे वीडियो गेम्स, उस टाइम पे बहुत मज़ा आता था। अभी तो यार ये सारी जगह ही बदल गई है ना। गर्ल्स ये जो बिल्डिंग है पीछे ये किसी टाइम पे मेरा स्कूल हुआ करता था, और उसके नीचे जो आप ये देख रहे हो ये स्पोर्ट्स की दुकान, ये अनजाना स्पोर्ट्स की दुकान थी। सारे खिलौने मेरे यहीं से ही आया करते थे बचपन में, और एक उसकी दूसरी ब्रांच है वो यहाँ पे है। तो दुकानें तो अभी भी ये दो यहाँ पे हैं, लेकिन मेरा स्कूल यहाँ पे नहीं है। अब स्कूल बैग अभी भी यहीं पे ही हैं, मेरे सारे स्कूल्स के बैग यहीं से ही आते थे, लेकिन अब देख लो स्कूल नहीं है यहाँ पे, लेकिन बैग अभी भी यहीं पे ही हैं। ये गली में पुलिस स्टेशन है, और बिल्कुल ठीक यहाँ सामने होता था मेरा स्कूल, सिब्बल पब्लिक स्कूल। तो यहीं से आया करता था मैं और यहाँ जाता था। अब चलो देखते हैं रास्ते पुराने गलियों के। गाइस बाकी तो सारी जो लोकेशन थी वो तो चेंज हो गई है, लेकिन मेरे स्कूल वाला जो रास्ता है ये अभी तक चेंज नहीं हुआ। अभी भी यहाँ पे वही प्लाट है जो पहले रास्ते में आया करता था मेरे स्कूल जाने के। उसके बाद यहाँ से ये गली आ गई है, पतली गली है यहाँ पे, तो वहाँ से हमने सीधा जाना है तो रशियन मार्केट आ जाएगी। अब यहाँ पे पतली गली आ चुकी है, ये पतली गली एक और क्रॉस करनी है और उसके बाद सीधे रशियन मार्केट आएगा। उस टाइम पे इस मार्केट का नाम रशियन मार्केट हुआ करता था, तो मैं यहीं से ही अपने स्कूल जाता था और यहीं से ही आता था। यहाँ से फिर रशियन मार्केट शुरू हो जाती थी। सुबह में तो स्कूल रास्ते ये सारे खाली हुआ करते थे, लेकिन जब दोपहर को हम वापस आते थे तो यहाँ पे बहुत सारे रशियंस होते थे, और रशियंस जो थे वो रशियन बोलते थे, हमें रशियन सिखाते थे। दरास्ते प्रीवियत ककदेला या ल्युब्ल्युतियेवा दा नीयत स्पासीवा दास बेगानिया, ऐसी चीज़ें सिखाते थे, तो इसीलिए ये जगह है रशियन मार्केट। और गाइस ये जो ट्रांसफार्मर के पीछे एक जगह है, यहाँ पे मुझे बचपन में मेरा एक कज़न लेके चला गया था, इसके पीछे मंडा नो खिलाते थे। उस टाइम पे तो पता नहीं था क्या होता है, लेकिन अब मुझे पता है क्या होता है। भैया से मिलने आए हैं, भैया के चैनल को सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करना।
बाकी भैया का नेचर अच्छा है, पर्सनैलिटी भी बढ़िया है। थैंक यू सो मच। बाय बाय गाइस। ये एक हमारे मोहल्ले का छोटा पार्क हुआ करता था उस टाइम पे, अभी पता नहीं क्या हो गया, कोई सरकार ने अपने अंडर में ले लिया इसको। गाइस ये जो पार्क है ना, ये हाथी पार्क था। तो यहाँ पे उस टाइम पे वो जो होते नहीं हैं लोग, क्या कहते हैं, ग्रुप्स बना के आते हैं और यहाँ पे करतब किया करते थे, अपने ऊपर ट्यूबलाइट्स फोड़ते थे, मोमबत्ती अपने ऊपर गिराते थे। तो तीन तीन दिन साइकिल चलाते रहते थे, उतरते नहीं थे, खाते भी साइकिल पे थे। तो ये वहाँ पे आके ना वो चीज़ें किया करते थे, यहीं पे ही रहते थे। ये साला अभी भी वैसे का वैसा ही है, गंदे का गंदा ही है। तो गैस ये वाला स्कूल मेरी बहन का था, तो वो यहाँ जाया करती थी, मैं वहाँ सिब्बल पब्लिक स्कूल में जाया करता था। मैं यहाँ पे आया हूँ अपनी मासी के घर में, और ये रहा मेरा कज़न, ये रहा उसका लड़का। लेकिन ठीक है यार, ये बड़ा हो गया, दोनों कज़न ही लग रहे हैं मेरे लिए। तो चल भाई प्ले कर अपना गिटार। आता नहीं है तो बजा तो सही, अभी बजा तो रहा था। स्पंजबॉब वाली बजा दे, कोई इंट्रो बजा दे। तो दूसरी कोई आती है जो इंट्रो आती है तुझे, वो भी तो बोल रहा था, वो बता दे। ये कौन सी स्पंज पॉप स्क्वेयरपैंट्स, वो बता दे। वो तो बहुत बढ़िया बजाता है, तो मैंने सुनते ही पहचान लिया कि ये तो स्पंज वो है। चल बजा दे। भूल गया लड़का, चलो कोई बात नहीं, अभी सीख जाएगा। जब सीख जाएगा मैं इसका इंटरव्यू लेने फिर आऊँगा। मैं आ चुका हूँ हॉस्टलर में वापस, मेरा हॉस्टल आ चुका है, और मैं अपने रिलेटिव्स के घर पर रुका था थोड़ी देर के लिए। वहाँ डिनर वगैरह किया बातें करने के चक्कर में, और टाइम स्पेंड कर रहे थे हम साथ में। तो मैंने व्लॉगिंग नहीं की, लेकिन मैंने उधर भी उस एरिया में भी 3 से 4 साल निकाले थे, तो वो मैंने नहीं दिखाया, क्योंकि वो तो मैंने कितनी बार देखा हुआ, जो मैंने नहीं देखा था मैंने वो दिखाया। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब मिलते हैं किसी अगले ब्लॉग में, मे बी कल।